फिर स्टार्ट करते हैं स्ट्रेटेजी एंड लास्ट 30 डेज जो प्लान हम बना रहे हैं। ठीक है, तो अभी आपने पेपर देखा था जून 2019 का, प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी स्टूडेंट्स को, क्यों कट ऑफ नीचे गई? रीज़न यही था कि फिज़िकल लोग छोड़ देते थे। अब इस टाइम पर फिज़िकल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। अब किसी दो पोर्शन को आप अटैम्प्ट करके कभी नहीं निकाल सकते। तो ये सोचो कि आपको किस तरह की स्ट्रेटेजी चाहिए इस चीज़ के लिए। सबसे पहले टॉपिक्स आपको पता होने चाहिए कि आपको कौन कौन से टॉपिक प्रिपेयर करने हैं। मैं यहाँ पर अटैच होगी एक फाइल, लास्ट मतलब मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की एक फाइल अटैच कर दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इन इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल। और साथ में मैं ऑर्गेनिक के सारे नेम्ड रिएक्शन जो हैं उसकी भी PDF आपको अवेलेबल हो जाएगी, लिंक में आप देख लीजिएगा। उससे आपको सारे रिएक्शंस भी पता चल जाएंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो हमेशा आते हैं। और नेक्स्ट इसके बाद में जो वीडियो बनाऊंगा वो प्रीवियस क्वेश्चंस को लेकर ही बना दूंगा ताकि आपको एक आउटलाइन ड्रॉ हो जाए। तो स्ट्रेटेजी के बारे में बात कर रहे थे, तो सबसे पहले हम इनऑर्गेनिक पोर्शन उठाते हैं। इनऑर्गेनिक में क्या होता है कि सारे लोग सब कुछ पढ़ के जाते हैं, काफ़ी काफ़ी आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है। तो आप सिलेबस इतना ज़्यादा है तो आप एक साथ कैसे पढ़ सकते हैं? तो आप इसमें भी दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं, एक होते हैं बिगिनर्स और एक जो एग्ज़ाम हमेशा से देते आए हैं कि सपोज वो लास्ट ईयर क्वालिफाई नहीं कर पाए, उनका सिलेबस कंप्लीट है, बट इस टाइम क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, वो क्या लैक करते हैं हर बार, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बिगिनर्स के लिए मेरे पास एक छोटा सा आइडिया ये है कि आप टॉपिक प्रिपेयर कर लो। टॉपिक प्रिपेयर्स अगर हो गए हैं, अब तो लास्ट मोमेंट बचा है, ऑलरेडी आपका टॉपिक्स प्रिपेयर हो गए होंगे, बट 30 डेज में आपको करना क्या है? सबसे पहले करना क्या है कि आप जो भी टॉपिक है उसको 15 डेज, हम 30 डेज को 15 15 डेज में डिवाइड कर देते हैं। तो 15 डेज में हम क्या करेंगे कि फर्स्ट 15 डेज में आप रिवाइज करिए जितने टॉपिक्स हैं और उससे रिगार्डिंग जितने क्वेश्चंस लगते हैं, मतलब एक टॉपिक प्रिपेयर करिए उसके रिगार्डिंग जितने क्वेश्चंस हैं वो सारे सॉल्व करिए। उससे आपको कॉन्फिडेंस एक तो बिल्ड होगा टॉपिक को लेकर, और लास्ट 15 डेज जो बचते हैं उसमें आपको क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो लास्ट 15 डेज में आपको 10 डेज आपको सिर्फ रिवीजन करना है, जो भी टॉपिक्स हैं उनको रिवाइज करना है। कोई भी नया टॉपिक आप नहीं पढ़ेंगे। इससे क्या होगा, अगर आप नया टॉपिक पढ़ेंगे तो आप फिर से कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जितना आप पढ़ चुके हैं उस पर ही फोकस करिए, उसको और स्ट्रांग करिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली वो आपसे लगना चाहिए, होना चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन लग जाएगा। अच्छा, तो आपने इनऑर्गेनिक सपोज पोर्शन अगर अटैम्प्ट कर लिया हो तो आपको कौन कौन से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं? जैसे इनऑर्गेनिक में केमिकल बॉन्डिंग से स्टार्ट करते हैं, केमिकल बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और केमिकल बॉन्डिंग में सबसे ज़्यादा ज्योमेट्री से क्वेश्चन आ जाते हैं। ज्योमेट्री के बाद आपको शेप पूछ लेता है, ज्योमेट्री पूछ लेता है, वेस्पर से क्वेश्चन आ जाते हैं। सेम थिंग अगर हम और टॉपिक्स उठाए हैं बॉन्डिंग के ही, तो आपको टर्म सिंबल्स पे क्वेश्चंस आते हैं। टर्म सिंबल्स पे हर पहले बहुत क्वेश्चंस आते थे, इस बार नहीं आया है, बट फिर भी इस साल आ सकता है टर्म सिंबल पे क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बहुत बच्चे छोड़ जाते हैं। इसका रीज़न क्या है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, लोगों को लगता है नहीं इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर बार एक से दो क्वेश्चन बनते हैं और आपको पढ़ना भी कितना है, बहुत कम पढ़ना है। और सोचो आप कम पढ़ के भी एफ ब्लॉक से स्कोर कर सकते हैं, मतलब एक से दो क्वेश्चन आएगा आपको पक्का लग जाएगा, आपका बड़ा इजी क्वेश्चन आता है तो आपको वो देखना है। तीसरा टॉपिक है आपका एस एंड पी ब्लॉक, मतलब मेन ग्रुप एलिमेंट्स। जो मेन ग्रुप एलिमेंट्स हैं उसमें बहुत वास्ट है, मतलब इतना है कि आप एक साथ पढ़ने बैठें तो आगे पढ़ेंगे पीछे भूल जाएंगे। तो इसके लिए आप क्या करें कि सबसे पहले उठाइए क्या टॉपिक्स कि पीछे के जितने ग्रुप्स हैं उनको उठाइए और उनके सारे के सारे ट्रेंड्स, जितने भी ट्रेंड्स हैं, ACDT, BCCT, जितने भी ट्रेंड्स हैं वो सारे के ट्रेंड्स पढ़िए, उसको रिवाइज करिए, स्ट्रक्चर्स उसके रिगार्डिंग जितने हैं उनको पढ़िए। अच्छा, एक और चीज़ है इसमें कि बोरोन फैमिली से क्वेश्चन हर बार आता है, सेम सिलिकेट्स पे से क्वेश्चन भी आता है। तो ये जो टॉपिक्स हैं जो मैं बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको ये पढ़ना है, इससे क्वेश्चन आने ही हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें मेन ग्रुप की, तो मेन ग्रुप में भी आप ट्रेंड्स पे क्वेश्चन आते हैं, बहुत ईजी होते हैं, आप कर सकते हैं। तो ये तो हो गया मेन ग्रुप एलिमेंट। हम डी ब्लॉक की बात करते हैं। डी ब्लॉक में जो प्रॉब्लम आती है, डी ब्लॉक में आप कोऑर्डिनेशन भी होता है, OMC का भी टॉपिक्स हैं, तो डी ब्लॉक को सबसे पहले आप रिवाइज करिए, बाद में आप कोऑर्डिनेशन और ऑर्गेनोमेट्रिक केमिस्ट्री पढ़िए। डी ब्लॉक में क्या क्या पढ़ना है आपको पहले देखते हैं।
तो डी ब्लॉक स्टार्ट होता है आपके, सबसे पहले ऑक्सीजन स्टेट आप देखिए कि ऑक्सीजन स्टेट से जितने क्वेश्चन आते हैं वो केमिकल बॉन्डिंग की मैं बात कर रहा हूँ कि केमिकल बॉन्डिंग से ही कोरिलेशन होता है डी ब्लॉक का। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ट्रेंड्स पे आती हैं, सिंपली आपको एफ ब्लॉक से भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा, सिंपली आप लेंथेनाइट कंट्रेक्शन से लेकर हर एक चीज़ लिंक लिंक पे चल रही है इसमें, ठीक है। अच्छा, डी ब्लॉक में एक और चीज़ खास बात यह है कि आप ट्रेंड्स आयनिक साइज का ये ज़रूर पढ़िए, हर बार आता है क्योंकि वो कोरिलेट हम करा सकते हैं कोऑर्डिनेशन से। तो मैं सीधे डी ब्लॉक के बारे में ना बता के, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है टॉपिक ये, आप थोड़ा सा उसको पढ़ लीजिएगा, खासकर ट्रेंड्स उसके रिगार्डिंग जितने भी हैं, प्लस आप ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से क्या वेरिएशन आते हैं डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ में, जैसे CFSE, इन सब की प्रॉपर्टीज़ में जो डिफरेंस आते हैं ऑक्सीजन स्टेट की वजह से, इनको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है आपका कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑन एंड द सेम आपका ऑर्गेनोमेटलिक केमिस्ट्री, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम पहले कोऑर्डिनेशन के बारे में बात करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन में क्या इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेशन में आप जब आप आगे बढ़ते हैं तो कोऑर्डिनेशन में इनिशियल स्टेट पे आपको सारी चीज़ें याद रहती हैं, लेकिन कुछ टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चन ईजिली बनते हैं, जैसे JTD, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, उससे क्वेश्चन आ सकता है। और इसके बाद में चलते हैं, आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आइसोमेरिज्म ज़रूर पढ़िए। एंडिंग में आपका CFSE से भी क्वेश्चन आता है, मतलब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से भी क्वेश्चन आता है, एंड वहाँ से आपका CFSE से जुड़ते हैं वो क्वेश्चन सीधे जाके। इसके बाद हम कोऑर्डिनेशन पे बात करेंगे, कोऑर्डिनेशन के आखिरी टॉपिक जैसे कि ट्रांस इफेक्ट। ट्रांस इफेक्ट के बाद आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन जितने भी हैं, इनर एंड आउटर स्फीयर मैकेनिज्म, वो सारे के सारे पढ़ के जाइएगा क्योंकि इनर एंड आउटर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि ये टॉपिक्स जो हैं इनको आपको इतने अच्छे से बिल्ड करना है इन ऑर्डनिंग में कि आपका पक्का होगा, मतलब लास्ट 30 डेज में अगर ये टॉपिक्स अच्छे से बिल्ड हो गए तो क्वेश्चंस आपके लग जाएंगे एग्जाम में। अच्छा, OMC की बात करते हैं। OMC एक अच्छा सा टॉपिक भी है और आप जानते भी इसमें क्वेश्चन बहुत ईजिली बन जाते हैं, मतलब आप करेंगे इस बार के ही क्वेश्चन आप देखेंगे OMC में। तो इन ऑर्डनिंग का पोर्शन जो था वो बहुत ट्विस्टेड था कि आपको क्वेश्चन बहुत ट्विस्ट करके दिया था, बट हमने क्या किया कि OMC में जो क्वेश्चन आया था एक किसका आया था आपको याद होगा, माइग्रेशन एंड इंसर्शन रिएक्शन का आया था, वो आपसे इजीली लग गया होगा। अब पॉइंट आता है कि यहाँ पर आपको कहाँ पे फोकस करना है। इनिशियल स्टेट पे अगर हम आए फर्स्ट फ्यू चैप्टर्स पे, तो आपको मेटल मेटल बॉन्डिंग पढ़नी है कि मेटल मेटल बॉन्ड्स कितने होते हैं, उसके बाद आपको डेल्टा बॉन्डिंग को लेके भी हो सकता है इस बार क्वेश्चन आ जाए, बट उसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो। इसके बाद आता है आपका सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है रिएक्शंस, जितने रिएक्शंस हैं आपको वो सारे पढ़ने हैं, ठीक है। वो मैं नीचे लिस्ट दे दूंगा क्योंकि काफ़ी टॉपिक्स हैं OMC के इस वजह से, ठीक है। तो हम एक एक के बारे में डिस्कस नहीं कर सकते अभी, चलते हैं ऑर्डनिक पे। ऑर्डनिक पे मेन फोकस हमारा रहना चाहिए GOC पे। दिक्कत आती है बिगिनर्स के साथ में खासकर कि जनरल ऑर्डनिक केमिस्ट्री उनकी थोड़ी वीक हो जाती है, वीक होती है इसका। अब जो लोग पढ़ चुके हैं पहले से उनको पता है कि GOC से क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं, तो जिनको नहीं पता है, खासकर बिगिनर्स को जिनको नहीं मालूम है कि क्वेश्चन किस टाइप के बनेंगे, तो आप पहले पूरी GOC पढ़िए। GOC पढ़ने के बाद प्रीवियस ईयर्स के जितने क्वेश्चन हैं वो लगाइए, उससे आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कैसे लगते हैं, मतलब कैसे आएंगे, तो आप वहाँ से थोड़ा बिल्ड कर सकते हैं कि GOC कैसे आएगा, GOC से क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो GOC बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप जनरल ऑर्डनिक केमिस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आपका GOC के बाद आप पढ़िए रिएजेंट्स। रिएजेंट्स से हर बार क्वेश्चन पूछा जाते हैं। रिएजेंट्स में आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन इधर से आप आ जाइए ग्रिगनार्ड, RLI, R2CLI, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं, हमेशा बनते हैं। मैं फिर भी एक लिस्ट दे दूंगा रिएजेंट की नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में, मैं मतलब आपको बता दूंगा कि कौन कौन से रिएजेंट्स इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चलते हैं रिएजेंट्स के बाद आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी पे। स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है CSIR के लिए, क्यों, क्योंकि स्पेक्ट्रोस्कोपी से इस बार भी क्वेश्चन आया था, दो तीन चार क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं, तो दो दो तीन क्वेश्चन भी आ रहे हैं, मतलब आपके चार नंबर में आपके दो क्वेश्चन आ सकते हैं और आपका बी सेक्शन जो है, बी सेक्शन में भी आपके एक से दो क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो आपका टोटल जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी पे ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना है, लेकिन फिर भी आप बिल्ड कर दीजिए। कैसे बिल्ड करेंगे, सबसे पहले आप NMR पढ़ लीजिए, 13C पढ़ लीजिए, IR पढ़ लीजिए, ये टॉपिक्स तीन बहुत ज़रूरी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन बनता है। बट अभी के इस टाइम पर क्या होता है कि मास से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं,
तो मास के लिए आप क्या करिए कि मास को थॉरली आप पढ़ लीजिए, उसके क्वेश्चन जितने आए हैं प्रीवियस ईयर्स वो सारे लगाइए, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं आपके मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से। इसके बाद चलते हैं, स्विच करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के, मेन यही है आपके, बाकी जो स्पेक्ट्रोस्कोपी और बचती है उसको भी पढ़ के थोड़ा बहुत जाइएगा। नेक्स्ट हम करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के बाद आपका टॉपिक आता है आपका नेम्ड रिएक्शन। नेम्ड रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको कुछ नहीं पढ़ना है, जैसे मैंने एफ ब्लॉक के बारे में बताया था वैसे ही नेम्ड रिएक्शन के बारे में बता रहा हूँ कि नेम्ड रिएक्शन में आप एक सिक्वेंस में 30 रिएक्शंस आप पढ़ लेंगे तो उससे आप क्वेश्चन आराम से बना लेंगे। अब आपको ये देखना है कि कौन से नेम्ड रिएक्शंस हमेशा से आए हैं। वैसे तो मैं लिंक में आपको दे दूंगा सारे जितने भी आपके नेम्ड रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि नेम्ड रिएक्शन सब देखो, फेवरेस्की जैसे हो गया, ये बहुत इजी रिएक्शंस है आपके। उसके बाद रियलाइट्स वगैरह के रिएक्शंस आते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। मतलब इसको बिल्ड करना है आपको किसी भी हालत में। अच्छा, हमारा रिएजेंट हो गया, स्पेक्ट्रो हो गया, जीओसी हो गया, अच्छा स्टीरियो, स्टीरियो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि स्टीरियो जब तक आपको बेसिक नहीं आएगा तब तक आप और जो स्टीरियो आती है, देखो CSIR में अब क्या हो रहा है कि पहले ऑर्डिनरी के पेपर इजी आते थे, इस टाइम पे क्या है आपको स्टीरियो दे दी जाती है। अभी इस लास्ट जून 2019 के पेपर में उतनी स्टीरियो नहीं आई, बट स्टिल आपको डिफरेंट रिएक्शंस में आपको स्टीरियो पूछ सकते हैं वो लोग। तो आप क्या कर सकते हैं उसके लिए कि आप पहले बेसिक अपनी कंप्लीट करिए स्टीरियो से, उससे एक दो क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, ये एक फ़ायदा है। और सेकंड, आपके जितने भी आगे ऑर्डिनरी के जितने भी रिएक्शंस आएंगे उनकी स्टीरियो जो है उनकी स्टीरियो भी आपको आराम से समझ में आएगी। आपको क्या करना है कि स्ट्रेटेजी इस तरीके से प्लान करनी है इस मामले में कि पहले आप पूरी की पूरी स्टीरियो पढ़िए, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 डेज लगेंगे आपको, तो ये 2-3 डेज में आप स्टीरियो को इतनी अच्छे से बिल्ड कर लेंगे कि आपके क्वेश्चंस भी साथ साथ में चलते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं पेरीसाइक्लिक पे। पेरीसाइक्लिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस आते हैं उससे, हमेशा आते रहे हैं। और पेरीसाइक्लिक में क्या है, आप पीछे के पोर्शन उठाइए, जैसे क्लेजन रीअरेंजमेंट, इलेक्ट्रोसाइक्लिक से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं बट उससे कम ही आते हैं क्वेश्चंस। आपको अब हायर लेवल ऑफ पेरीसाइक्लिक पढ़ाई जाती है। अच्छा, पेरीसाइक्लिक का भी मैं वीडियो डालूंगा नेक्स्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराऊंगा, साथ में उसके जितने भी पेरीसाइक्लिक के इंपॉर्टेंट पार्ट हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पेरीसाइक्लिक के बाद आता है फोटोकेमिस्ट्री। फोटोकेमिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फोटोकेमिस्ट्री से अब क्वेश्चन आने लगे हैं, पहले नहीं आते थे उतने, लेकिन फिर भी फोटोकेमिस्ट्री आपको पढ़ के जाना है। चलो, ये तो हो गया आपका ऑर्गेनिक। अच्छा, ऑर्गेनिक में आपका आप हेट्रोसाइक्लिक भी ज़रूर पढ़ के जाइएगा, हेट्रोसाइक्लिक से भी एक दो क्वेश्चंस आ जाते हैं, वो भी बहुत छोटा टॉपिक है। मैंने जितने भी अभी टॉपिक्स पढ़ाए बताए हैं वो सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट भी हैं और आपको कम टाइम में प्रिपेयर भी हो जाएंगे। मतलब लास्ट 30 डेज में अगर आप चाहें तो ये टॉपिक रिवाइज करके अच्छे से बिल्ड कर सकते हैं, इसीलिए इन टॉपिक्स का मैंने नाम बताया है कि बहुत ईजिली से आप बिल्ड कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट चलते हैं हम फिजिकल पोर्शन पे। फिजिकल में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका थर्मो है, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चंस आते ही हैं, मैं बता दूंगा कि थर्मोडायनेमिक्स से क्या क्या पोर्शन आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट आपका काइनेटिक्स। काइनेटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है एंजाइम कैटालिसिस से आपका हमेशा से क्वेश्चन पूछते हैं। पहले कुछ ईयर्स में आपको हर बार मिलता था आपको एंजाइम कैटालिसिस का क्वेश्चन, इस बार नहीं आया था। हाँ, तो एंजाइम कैटालिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको थोड़ा सा देख के जाइएगा। अच्छा, एक और चीज़ होता है स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन। ये जो पार्ट है ये कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन पढ़ा दूंगा, इस पर क्वेश्चंस बन सकते हैं इस बार। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्वांटम। देखो, क्वांटम हर बच्चे के लिए एक प्रॉब्लम होती है, खासकर केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए, और जो बायोफील्ड के हैं उनके लिए बहुत दिक्कत आती है क्वांटम में। तो आप क्या करिए, क्वांटम के लिए क्या कीजिए कि क्वांटम का बेसिक सिर्फ पढ़िए, ज़्यादा मत पढ़िए, क्योंकि आप अगर उससे क्वेश्चंस एक दो छूट भी जाते हैं, बाकी पोर्शन को आप नेगलेक्ट कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। क्वांटम के कुछ बेसिक्स पोर्शन पढ़ लीजिए जिससे कुछ क्वेश्चंस आपके लग जाएं, वो मैं बता दूंगा, ठीक है, कि कौन से पढ़ने हैं क्या नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। क्वांटम के बाद आपका टॉपिक आता है इलेक्ट्रो। बहुत छोटा टॉपिक है, आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो से क्वेश्चंस भी लग जाते हैं बड़े आसानी से, ठीक है। इलेक्ट्रो का हर बार बी सेक्शन में जो क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रो का, वो बहुत इजी आता है, न्यूमेरिकल आता है, बहुत इजी न्यूमेरिकल आता है, सिंपली आपको कैलकुलेशंस करनी है बस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसका, फिजिकल का।
नेक्स्ट हम चलते हैं कि और क्या क्या। हाँ, एक और टॉपिक है ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी को लेकर बहुत बच्चे कंफ्यूज क्या रहते हैं कि हमें आगे का पढ़ना है पॉइंट ग्रुप पढ़ें या आगे का पोर्शन पढ़ें, मतलब इरिड्यूसिबल एंड रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन वो पढ़ें या पॉइंट ग्रुप पढ़ें। मैं बोल रहा हूँ दोनों पढ़ के जाइए। पॉइंट ग्रुप से क्वेश्चन आ सकता है, आता रहता है, तो पॉइंट ग्रुप बहुत छोटा टॉपिक है, एक दिन में ही कवर हो जाएगा। और सेकेंड थिंग, आप इरिड्यूसिबल एंड रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का मैं वीडियो डाल दूंगा, उसमें से देख लीजिएगा कि क्या क्या है, मतलब रिड्यूसिबल एंड इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन पे भी क्वेश्चंस किस तरह बनते हैं। और लास्ट ईयर, अच्छा जून 2019 में क्वेश्चन आया था, दो दो क्वेश्चन आए थे ग्रुप थ्योरी से, आपको वो उस पर फोकस करना है, मतलब ग्रुप थ्योरी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, तो ये ज़रूर देख के जाइएगा। अच्छा, ये भी आप बहुत बहुत कम टाइम में कर सकते हैं, ठीक है। ग्रुप थ्योरी के अलावा जो और टॉपिक और फिजिकल का कौन सा टॉपिक बचता है, ठीक है, बस सिर्फ फिजिकल में इतना देखिएगा, इसके अलावा आप इतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा। वेट, क्या बच रहा है? अच्छा, एक और चीज़ बच रही है, वो है एप्टीट्यूड पार्ट। बहुत बच्चे क्या करते हैं, दिक्कत क्या आती है, कभी उनका एक नंबर से रुक जाता है, कभी दो नंबर से रुक जाता है, तो इसके पीछे रीज़न क्या है? क्या करते हैं केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स कि वो ए सेक्शन छोड़ के जाते हैं, छोड़ देते हैं, कभी कभी पूरा छोड़ देते हैं। मैंने बहुत सारे अपने फ्रेंड्स को ही देखा है कि वो ए सेक्शन छोड़ देते हैं। अब आप सोचिए कि कुछ कुछ क्वेश्चंस इतने इजी होते हैं ए सेक्शन में, आप ध्यान देंगे तो रीजनिंग एंड मैथ्स के कुछ बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं, और वो हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं, आप इग्नोर करते हैं। आप क्या करिए, अगर आपको एप्टीट्यूड प्रिपेयर करना है तो आप लास्ट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखिए कि किस किस तरीके से आए हैं, उससे आपको एक वो मिल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और आप आराम से करेंगे उन क्वेश्चंस को। सिर्फ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करके ही आप इसको बिल्ड कर सकते हैं, मतलब एप्टीट्यूड पार्ट को। अब एप्टीट्यूड करने का फ़ायदा क्या है, उसका एक फ़ायदा ये है कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जैसे टॉप रैंकर्स के लिए सबसे फ़ायदेमंद यही चीज़ होगी कि अगर वो एप्टीट्यूड नहीं पढ़ता है, ज़्यादातर देखना टॉप रैंकर्स में यही दिक्कत आती है कि एप्टीट्यूड जो पढ़ के जाते हैं वो रैंक वन ले आते हैं, और जो लोग नहीं पढ़ के जाते हैं कुछ कुछ वहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं, एप्टीट्यूड पार्ट को कहीं से नेगलेक्ट करते हैं या और पार्ट्स को नेगलेक्ट करते हैं, तो वहाँ पर उनके मार्क्स कम हो जाते हैं। एंड सेम जो क्वालिफाई करने की कट ऑफ होती है, कट ऑफ में एप्टीट्यूड बहुत फ़ायदेमंद है। क्यों? क्योंकि अगर आप एक दो मार्क्स से अगर हर बार पीछे जा रहे हैं तो आप एप्टीट्यूड का थोड़ा सा पोर्शन भी प्रिपेयर कर लेंगे एंड 5 to 10 marks भी स्कोर कर लेंगे, तो वहाँ से भी आप इजिली क्वालिफाई कर सकते हैं। तो एप्टीट्यूड भी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा, ये सारे टॉपिक्स जो मैंने बताए हैं ये बहुत कम टाइम में हो जाएंगे। ये अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक्स की ये बताई कि आपको पढ़ना क्या क्या है। नेक्स्ट मैं 30 days का प्लान आपको बताता हूँ। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि 30 days में आपको करना क्या क्या है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि 15 days निकालिए, 15 days में जितने भी टॉपिक्स मैंने बताए हैं वो सारे रिवाइज़ करिए। आप चाहें तो 5-5 days करके कर लीजिए, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग आप शेड्यूल कर सकते हैं उसको। अब आपको ये टॉपिक्स जब प्रिपेयर हो जाएंगे, इनके क्वेश्चन सारे लगाइए, जितने भी प्रीवियस ईयर्स आए हैं और कुछ नए क्वेश्चंस बनते हैं उनको भी लगाइए। 15 days आपको यही करना है, मतलब आपको क्वेश्चंस ज़रूर लगाने हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका क्वेश्चंस लगाना। 15 days के बाद आप थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, उसके बाद आप रिवाइज़ करिए। 10 days आप सिर्फ रिविज़न में दीजिए कि जो भी टॉपिक्स आप भूल रहे हैं बार बार उनको आप किसी भी तरह रिवाइज़ करिए, ठीक है। तो 10 days आपका रिवीजन में बीतेगा, और उसके बाद लास्ट जो 5 days होंगे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उस टाइम आपको रिलैक्स करना है अपने माइंड को कि आप कौन कौन सा आपको सिलेक्ट करना है, कि आपको पेपर के टाइम में क्या करना है क्या नहीं करना है। ये जो 5 days इंपॉर्टेंट जो हैं वो ये हैं कि आप लास्ट मोमेंट पे क्या क्या दिक्कत हो जाती है, कुछ बच्चे सिलेक्ट नहीं कर पाते क्वेश्चन, उनके साथ दिक्कत ये होती है कि अगर मान लो उन्होंने बहुत कुछ पढ़ के गए हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, बट उनका क्वालिफाई नहीं हो रहा। रीज़न क्या है कि वो पिकअप नहीं कर पा रहे हैं क्वेश्चन कौन से पिक करने हैं आपको। तो इसके लिए आप क्या करिए, हर बार लास्ट 5 days में आप ज़्यादा नहीं 2 to 3 days तक आप लास्ट प्रीवियस ईयर पेपर दिखा उठाइए, सीधे सीधे पेपर ही उठाइए, और उसमें देखिए आप सिलेक्ट कौन कौन से क्वेश्चन कर सकते हैं। आप सिलेक्ट करिए वो क्वेश्चन जो आपसे हो सकते हैं, और वो पिक करिएगा जिसमें आप 100% श्योर हो, नेगेटिव में आप कम जाएँ, ये चीज़ ध्यान में रख के करिए। तो लास्ट 5 days आप ये कर लीजिएगा। तो ये ओवरऑल आपकी स्ट्रेटेजी हो गई, लास्ट 30 days प्लान हो गया, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा दूंगा, जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो करा दूंगा, ठीक है। थैंक यू, नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है।